नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आम के फलों की बेहतर क्वालिटी के लिए, मतलब कि आम के फलों का वजन, आकार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो औसतन बात करें तो लगभग सभी के आम के बागों में फलों की साइज मार्बल साइज से बड़ी ही हो चुकी होगी। तो यही समय होता है फलों के ऊपर काम करने का, जिससे फलों की बेहतर क्वालिटी और वजन हमें मिल सके, जिसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिसे आप भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पानी की। तो जैसे कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि पेड़ों के ऊपर जब फल मार्बल साइज से बड़े होने लगे, तब से लेकर रेगुलरली मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखनी है। मतलब कि आपके एरिया के टेम्परेचर और मिट्टी के नेचर के मुताबिक नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, जिससे मिट्टी में पड़े पोषक तत्व घुलकर पौधों को आसानी से मिलते रहे। और गर्मी का भी समय होता है, सो मिट्टी में नमी बनाए रखने से पौधों में स्ट्रेस यानी तनाव नहीं आता। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे फलों के आकार और गुणवत्ता में वृद्धि होने के साथ साथ पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। बिना पानी पौधों में स्ट्रेस आने से एक तो क्या होगा, फलों के झड़ने गिरने की समस्या देखने को मिलेगी, और अगर फल टिक भी गए तो फलों के साइज और गुणवत्ता आपको कुछ खास नहीं मिलेगी, जो कि मिलनी चाहिए। और मुझे यह भी कमेंट मिला था कि सिंचाई कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फलों के पक जाने से यानी पकने वाली अवस्था से करीबन एक महीने पहले तक सिंचाई कर सकते हो। यानी हमें इस प्रकार से अंदाज़ा लगाना होगा कि फल पकने की अवस्था कब आएगी, तब से लेकर करीबन एक महीने पहले से ही सिंचाई को रोक देना है, क्योंकि फल पकने वाली अवस्था पर सिंचाई करने से फलों के खराब होने की समस्या देखने को मिलती है। और पूरे बाग से फलों की तुड़ाई हो जाने के बाद तो लगभग कुछ ही दिनों में बरसात के दिन भी शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सिंचाई को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस समय ध्यान में रखने वाली दूसरी बात कीट रोगों को लेकर। तो आम के फलों की इस अवस्था में हॉपर्स यानी मधुआ और रोगों में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप जनरली खत्म हो चुका होता है। आमतौर पर फ्लावरिंग स्टेज खत्म होते होते यह दोनों कीट रोग भी कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। लेकिन फलों की इस अवस्था से लेकर लगभग फलों की आखिरी अवस्था तक एक नई समस्या सामने आती है, वो है फ्रूट फ्लाई। जी हाँ दोस्तों, फल मक्खी, जो आम के कच्चे या पके सभी तरह के फलों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। तो इस फल मक्खी के नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मिथाइल यूजिनॉल आधारित ट्रैप्स यानी फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स आम की इस अवस्था में बाग में लगा सकते हैं। ट्रैप्स की संख्या होनी चाहिए कम से कम 5 से 7 ट्रैप्स प्रति एकड़। यह ट्रैप्स मार्केट में रेडीमेड भी मिल जाती है, और आप इसे घर पर भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटलों से आसानी से बना सकते हो, जिसका डिटेल में वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर। आप देखना चाहो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके? अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि फलों की साइज, वजन, कलर, क्वालिटी, टेस्ट बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस काम के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फलों के ऊपर इस काम को करने का सही समय क्या है, तो देखिए जरा इसे। जब फलों की साइज मार्बल साइज से थोड़ी बड़ी साइज हो जाए, तब से लेकर हम इस पर काम कर सकते हैं। कब तक? तो इस फल को काटने पर अंदर का बीज या गुठली जब तक सफ़ेद और नरम है, तब तक। चलिए आपको इसे तोड़कर काटकर ही दिखा देता हूँ, ओके? तो देखिए, फल को बीज से काटने पर ये अंदर का बीज इस टाइप का सफ़ेद नरम है, तब तक हम इस फल में बाहर से थोड़ा एक्स्ट्रा सुधार कर सकते हैं। बाद में जब ये अंदर का बीज या गुठली बड़ी हो जाए और गुठली का कवर यानी सेल मजबूत सख्त हो जाने के बाद, इस स्प्रे को करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो यह स्प्रे करने से पहले इस एग्जाम्पल को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, ओके? अब स्प्रे की बात करें तो मार्बल साइज से थोड़ी बड़ी अवस्था से हम स्प्रे को स्टार्ट करेंगे, तो इस स्प्रे को हम रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब कि 2 स्प्रे भी कर पाएंगे। स्प्रे में हम क्या क्या लेंगे? तो NPK 13-00-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे नाइट्रेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। और साथ में क्या क्या लेना है? तो एक तो 13-00-45
500 से 700 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी और साथ में कोई भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है जिसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व कवर हो जाए। जिसकी मात्रा आप क्या और कौन सी कंपनी का ले रहे हो उसकी सिफारिश की गई मात्रा के अनुसार ले सकते हो। इस मामले में डोज थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होता। और साथ में स्टिकर यानी सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर को भी जरूर शामिल कीजिएगा, ओके। और इस स्प्रे को फिर से रिपीट कर देना है पहला स्प्रे करने से ठीक 20 से 22 दिनों के बाद। इस स्प्रे से आपको बहुत फर्क दिखेगा, फलों की क्वालिटी में सुधार आप साफ रूप से देख पाओगे, साथ साथ आपको फलों का जो वजन और साइज चाहिए वो भी मिल जाएगा। और एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आम की इस अवस्था से लेकर आखिर तक कीट में फल मक्खी को अनदेखा मत कीजिएगा, नियंत्रण के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स जरूर लगाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आम की इस अवस्था में यह वीडियो आम की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अन्य किसानों में शेयर कीजिए और अगर आप भी करते हो मेरी तरह खेतीबाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।